तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव अच्छा फिटनेस में। भाई लोग आज आपका भाई लेके आ गया भाई गलाई रिस्ट भाई फोरआर्म्स भाई हमारा बन के नहीं आ रहा है, तो फोरआर्म्स को कैसे तगड़ा करें। और बहुत भाई का कमजोरी, बहुत भाई का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई रिस्ट आपका पतला है, रिस्ट मजबूत नहीं है। आप फुल शर्ट पहनते हो, कोई सारे फुल स्लीव पहनते हो, आप चाहते हो भाई दो स्लीव फोल्ड करो और आपका मस्कुलर जो है आपका फोरआर्म्स बाहर से विजिबल हो, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही अलग आपका फिजिक लुक बन के आता है अगर आपका ये फोरआर्म्स अगर मजबूत। आज आपको भाई उस चीज का सोल्यूशन लेके आ गया है। जिम जाने का जरूरत नहीं है, कोई कहीं पे कोई इक्विपमेंट का जरूरत नहीं है। चाहिए तो आपके पास कोई सा भी जैसा भी बताता हूँ, छत में, गार्डन में, रूम में, कहीं भी आप परफॉर्म कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट की। वेट के जगह पे आप इनका इस्तेमाल, होटल का इस्तेमाल, बैग का इस्तेमाल, जो मर्जी आपका पास आपके पास हो उस चीज का इस्तेमाल आप करके अपने रिस्ट को भाई तगड़ा कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी पंप करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूंगा, और जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाल पाओ, अपने रिस्ट को भी अच्छा कर पाओ। घर पे तो साथ साथ देखो, सर फॉलो करो, कोई भी क्वेरी तो इंस्टा पे पूछना, गौरव जब फिटनेस का इंस्टाग्राम है। बाकी वर्कआउट देखो, रिस्ट को तगड़ा करो, उसके बाद चाहे जो मर्जी आपको करना हो, स्लीव फोल्ड करना हो या फिर किसी तरह करो, आपका जो है फोरआर्म्स जो है वो अच्छी तरीके से विजिबल दिखेगा भाई। तो देखो भाई वर्कआउट साथ साथ फॉलो। पहला एक्सरसाइज हमारा सिंपल, जिसमें आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस आपने फॉर्म को ध्यान से देखना है और बिल्कुल इसी तरह परफॉर्म करना है। मैं हर एक वीडियो में अलग अलग वेरिएशन आता रहता हूं, भाई को ये शूट नहीं करेगा दूसरा वेरिएशन शूट करेगा, इस तरह करके अलग अलग वेरिएशन आता रहता हूं, और ये वेरिएशन तो आपको फोरआर्म्स पे रिजल्ट 100% गारंटीड देगा। पहला एक्सरसाइज क्या होगा आपका, सिंपल पुशअप्स आप किस तरह लगाते हो, शोल्डर के सामने सामने आते रहते हो, ये आपका सिंपल पुशअप्स का फॉर्म होता है, सिंपल पुशअप्स का पुशअप होता है। अब आपको टारगेट करना है, सारा का सारा जोर डालना है अपने फोरआर्म्स पे। क्या करना है आपने, पुशअप के पोजीशन में आओ, सिंपली सिंपल तरीके से देखो भाई टेक्निक, पुशअप के पोजीशन में आओ और क्या करना है अपने पूरे बॉडी को सामने की तरफ लेके जाओ बस, और होल्ड करो सारा का सारा जोर फोरआर्म्स से पड़ने दो भाई। तगड़ा आपका जो बुलेट प्रूफ रिस्ट बन के आएगा भाई, बहुत ही तगड़ा आपका रिस्ट बन के आएगा। इस तरह करके आपने बस होल्ड करना है और फिर आ जाना है पीछे, इस तरह करके आपका एक रोटेशन होगा, फिर सामने आओ सारा का सारा जोर फोरआर्म्स में, बॉडी को आगे लेके आओ और होल्ड करो भाई, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट। मैं भी भाई इससे बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ, एक्सरसाइज से भाई बहुत इंप्रेस्ड हुआ, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट मिलता है भाई। पंप तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा, आपको करके देखना घर पे एक बार, सिंपल फॉर्म देख लो आप लोग, पुशअप के पोजीशन में आना है और पूरे बॉडी को सामने लेके आना है और यहाँ पे लाके बस होल्ड करना है, सारा जोर पड़ना चाहिए आपके फोरआर्म्स पे, मसल माइंड कनेक्शन ध्यान होना चाहिए फोरआर्म्स पे। पहला एक्सरसाइज बहुत ही तगड़ा पंप घर पे मिलेगा, पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर टू। अब दूसरे एक्सरसाइज क्या करना है भाई, इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों हाथ को बंद कर लो और सामने रखो, यहाँ पे सामने रखो और सिर्फ इस पोजीशन में आके आपने, इस पोजीशन में आके आपने बस होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना होल्ड करना है आपने, और सारा जोर जो है वो देख सकते हो आपको फोरआर्म्स किस तरह से पंप हो रहा है, सारा जोर जो है आपके फोरआर्म्स पे ही पड़ेगा। आपने क्या करना है, हाथों को दूसरा नंबर एक्सरसाइज, हाथों को क्लोज करो, दोनों को इस तरह डायमंड पुशअप जिस तरह लगाते हो उस पोजीशन में रखो और क्या करो सामने आके और थोड़ा स्क्वीज करो और होल्ड करो यहाँ पे आके, बस सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर टू हो जाएगा आपका, बिल्कुल अलग वेरिएशन देख रहे हो भाई। मैं खुद करता हूँ, खुद देखता हूँ जहां पे फर्क पड़ता है, जहां पे फर्क पता चलता है आपके फोरआर्म्स पे, वर्क्स है आप लोगों से शेयर करता हूँ जिससे कि कुछ रिजल्ट मिले, कुछ फायदा हो आप लोगों को। ऐसा नहीं सिंपल एक्सरसाइज हम बता देते हैं भाई, वेरिएशन लाओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। घर पे बिना इक्विपमेंट के प्लान खोलो, इसका क्लोज करो, अंदर लाओ और स्क्वीज करो, देख सकते हो आपको कितना हार्ड हो गया भाई। इससे अगर मैं एक सही मारता हूं तो ज्यादा कुछ फर्क आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ही तगड़ा भाई फोरआर्म्स आपका बन के आएगा घर पे ही। एक्सरसाइज नंबर 3 इजी एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो आप 100 की जिम खाड़े हो 500 की जिम खाड़े हो समझ बात नहीं है, सिंपल बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें क्या करना है आपको, ईंट का इस्तेमाल करना है, ईंट का इस्तेमाल किस तरह करना है, बस आपको यहाँ पे लाके बस होल्ड रखना है, ठीक है, इस तरह से बेंड करो और होल्ड रखो जितना टाइम होल्ड कर सकते हो, दूसरे साइड से भी ईंट लो, इसको टिल्ट करो और यहां पे लाके होल्ड करो बस 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना होल्ड कर सकते हो, सारा सारा जोर ये पूरा लाभ लगाने दो भाई, जब पूरा थक जाओ, जब पूरा आप एग्जॉस्ट हो जाओ तब जाके आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह करके आप बेंड करो और सारा का सारा जोर अपने फोरआर्म्स पे
पढ़ने दो। एक्सरसाइज नंबर 4, इजी एक्सरसाइज, कुछ ज्यादा फॉर्म्स पे ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। सारे एक्सरसाइज में क्या है, टाइम ड्यूरेशन का ही खेल है, जितना टाइम लगाओगे उतना अच्छा पंप मिलेगा, जितना स्लो परफॉर्म करोगे उतना बेहतर आपको पंप मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने ईंट को सामने रखना है इस तरह से, और यहाँ पे अलग एंगल से हिट करना है अपने फोरआर्म्स को, सामने कर दो, क्या करना है, ईंट सामने रखना है, बेंड करना है, होल्ड, बस क्वालिटी देख सकते हो आप, अच्छा सा बस क्वालिटी बन जाएगा और सारा जोर जो है आपके फोरआर्म्स पे ही पड़ रहा है। ठीक है, फिर रिलैक्स करो, सामने आओ और इसको इस तरह से स्क्वीज करो। ठीक है भाइयों, ये हो गया एक्सरसाइज, ये हमारा एक्सरसाइज हो गया फोरआर्म्स पे, जो घर पे आप कर सकते हो इजिली, और इसके लिए आप बोतल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैग है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी चीज है बस इस्तेमाल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि महंगा महंगा जिम इक्विपमेंट हो, कोई सा भी डंबल बारबल सब कुछ हो, इस सारे साइज से भी आप फॉर्म घर पे कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा भाई हमारा, जो मैं फिनिशर लगाऊंगा हर एक एक्सरसाइज में बताता हूँ, ये फिनिशर ट्राई करो भाई, ये फिनिशर ट्राई करो, अच्छा रिजल्ट फिनिशर से क्या होता है, आपका ऑल ओवर जो आपका वर्कआउट होता है उसमें चार चाल लगा देता है, तो आपका फिनिशर क्या रहता है भाई, फिनिशर है आपका सिंपल मेटल पुशअप्स। मेटल पुशअप्स पता है आपको, हाथ बंद करके इस तरह से पुशअप्स क्लोज रख के लगाया जाता है, इसलिए क्या करना है आपने सोलिड फॉर्म करना है, और क्या करना है पूरा ऊपर नहीं आना है आपने, पूरा ऊपर नहीं आना है, बस आपने हाफ रखना है इस तरह से, इससे क्या आपका सिर्फ फोरआर्म्स एंगेज हो भाई, इस तरह करके 15 से 20 से 25 रेपिटेशंस मसल मेमोरी कनेक्शन अपने फोरआर्म्स पे रखो, 15 से पूरा लगाओगे तो आपका फोरआर्म्स से क्या होगा आपके बाजू पे पूरा बाजू पे आपका जो है वेट आ जाएगा, अगर आप हाफ रखते हो तो सारा का सारा जो आपके फोरआर्म्स में ही पड़ेगा भाई, और थोड़ा बहुत चेस्ट एंगेज होगा, इस तरह करके आप हाफ रेपिटेशंस 40 से 45 लगाओगे, बहुत ही तगड़ा भाई आग उभरेगा आपका फोरआर्म्स भाई, गजब का फोरआर्म्स हो जाएगा भाई घर पे ही बिना इक्विपमेंट बिना जिम के इस्तेमाल के। करो भाई, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज तो भाई आपका बता ही है, बस अपने डाइट पे ध्यान रखो और बेहतर रहो भाई घर पे ही बिना इक्विपमेंट बिना जिम के इस्तेमाल के, तो देख सकते हो भाई एक्सरसाइज के बाद किस तरह का पंप मिला है भाई, और आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह का पंप मिलेगा अगर जैसा मैंने बताया वैसा अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ठीक है भाई लोग।